कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम। इंदौर मध्य प्रदेश में वाका सूफी बुजुर्ग हजरत निहार सईद बाबा के मजार ने नस्ल दर नस्ल फिरकावाराना हम आहंगी का एक मरकज का काम किया है। इस दरगाह पर हर रोज मुतादिद अकीदतमंद अपने मजहब से बालातर होकर हाजिरी देते हैं। एक अजीम सूफी बुजुर्ग की हैसियत से मशहूर हजरत निहार सैयद बाबा ने अपनी जिंदगी में सूफियत और अमन का पैगाम आम किया। ये ख्याल किया जाता है या लोगों का अकीदा है कि इस मुकद्दस मकाम की जियारत करने पर अकीदतमंद जो बे औलाद होते हैं वो फैज हासिल करते हैं। देने वाला तो बड़ा है, हम तुझे से मांगते हैं, करता है तो ही अता। उर्स में बहुत अच्छा माहौल होता है, यहाँ गुजरात परिवार से हिंदू परिवार आता है, 200 लोगों का ग्रुप चादर पेश करता है, लंगर बनाते हैं और सिख हिंदू मुसलमान ईसाई सबसे ज़्यादा यहाँ आते हैं, सब अपनी मुराद पाते हैं, आयोजन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कव्वाल आते हैं, गायक आते हैं, चार दिवसीय उर्स रहता है जिसमें पटेल समाज की जानिब से 5 दिन के लिए हिंदू मुस्लिमों के लिए लंगर किया जाता है। लंगर खाने में निःशुल्क वो वेज बनता है कि आम लोग खा सके, हमारे हिंदू भाई भी लंगर खा सके, सादा भोजन बनता है, 5 दिन तक खाना चलता है और बहुत प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश की दरगाह नारशावली और बहुत बड़ा उर्स होता है यहाँ का और काफी नाम है यहाँ का। कोई धुप विच वेखे, कोई छां विच वेखे, कोई उस अल्लाह नू अपनी मां विच वेखे। ख्वाहिशात की तकमील के लिए अकीदतमंद दरगाह के बाहर तालाब में नहाते हैं, नमाज पढ़ने से पहले अपने पुराने कपड़े छोड़ देते हैं और बिल्कुल नए कपड़ों में मलबूस हो जाते हैं। अकीदतमंद सूफी बुजुर्ग के ताईं अकीदत के फूल निछावर करते हैं। अकीदतमंद इस दरगाह पर मन्नतों की गांठ बांधते हैं और प्यार और मोहब्बत के चिराग रोशन करते हैं। इस दरबार पर हाजिरी देने वालों में न कोई हिंदू होता है और न ही कोई मुसलमान। यहाँ बिला मजहब व मिल्लत की बरसात होती है जिसे तिश्ना दिल सराब होते हैं। सरकार सैयद गाजी नूरुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह, आप नारशावली के लकब से जाने जाते हैं और आपके वहाँ सभी धर्म के 36 कौम आती है और जो काम पूरे ज़माने में कहीं से नहीं होता है, जो अस्पताल से अताश रहते हैं, जो कोर्ट कचहरी से अताश रहते हैं और जो भी जिनके ज़मीन के मुकदमे वगैरह होते हैं, आखिरी अदालत फिर आप सरकार की बारगाह में आदमी आता है तो यहाँ सरकार की बारगाह में आके रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो सरकार उसके लिए दुआ करते हैं तो हर आदमी यहाँ से फेस पाता है। सभी धर्म के लोग आते हैं, मुल्ला जी, सिख ईसाई, सरदार जी, हिंदू मुसलमान सारे लोग यहाँ आते हैं। 20-22 साल से तो आ रहे हैं हम लोग तो सरकार के यहाँ पर साल में एक बार तो हाजिरी देते ही देते, भले ही कुछ भी हो जाए। इंदौर में रहते हैं तो 2-3 बार आना हो ही जाता है, लेकिन साल की एक तो पक्की रहती है। 20-22 साल पहले हमारी बुआ लेके आई थी यहाँ पे, तब हमारे पप्पा की तबीयत ठीक नहीं थी, तब सरकार के करम से वो 20 साल जिए हैं। आप अपने परिवार के साथ आ जाए हैं? हाँ, इनको ढुकाना था, ये अब ये जुड़वा ही है। अच्छा। ये बड़ा वाला बेटा कृष्णा है, ये छोटा वाला केशव है, इसका नाम कुंज प्रिया है, इसका नाम कृष्ण प्रिया है। अच्छा। तो इन दोनों को ढुकाया नहीं था दादा के यहाँ पे, तो इसलिए आज ठाकुर जी के यहाँ ढुकाने आए। सूफी संतों का हिंदुस्तान की तकसीरी तहजीब में बहुत बड़ा रोल रहा है। सूफियों ने अपने तौर तरीके से इस्लामी रवादारी का एक नया चेहरा दिखाया जो रोजमर्रा की जिंदगी में दबा दिया जाता है। आजकल इस्लाम की एक तस्वीर दिखाई जाती है जो शिद्दत पसंदी और कट्टरपंथी के फरोग की वजह बनती है।
सूफी बुजुर्ग हजरत निहार सैयद बाबा रहमतुल्ला अलैह और उनके मानने वाले दीगर बुजुर्गान दीन ने सूफी नजरिए को हिंदुस्तान में पहचान दिलाई और इस नजरिए को कायम किया। सूफी नजरिए ने हिंदुस्तान में संगीत, कवाली और दूसरे तरह की नज़मों के जरिए मुल्क में मोहब्बत का पैगाम दिया। इन सब ने हिंदुस्तान में सूफी दरगाहों को जन्म दिया और मोहब्बत भरे एक नए नज़रिए को बढ़ा दिया, जिसमें रूह को पाक करना और अल्लाह के लिए दिल में बे इंतहा इज्जत पैदा करना शामिल है। सूफियों के सालाना उर्स भी इन्हीं बातों को समाज के सामने लेकर आते हैं। ये हर साल मुख्तलिफ ख्यालात वाले अफराद को एक साथ लेकर आते हैं, जिससे नफरत की दीवारें टूट जाती हैं। यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, जिसकी जो विश होती है यहाँ पर पूरी होती है, जो मन्नत लेके आता है, चाहे वो बीमार हो, कोई नौकरी के लिए हो, किसी को जिस चीज़ की, कोई औलाद के लिए आता है, सब अपनी अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं, यहाँ पर अपनी अपनी मुराद पाते हैं, जो जिस मकसद से यहाँ आता है उसका मकसद पूरा होता है। ये बहुत बड़े, या कहें कि इंदौर की शान है ये, और इनका बहुत बड़ा आला मर्तबा है और ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं भी हमेशा बचपन से ही आती हूँ और एक दिल लगी है इनसे, मोहब्बत है। और अभी जो करंट में इनका उर्स चल रहा है तो इसीलिए अभी काफ़ी लोग, सारे लोग आते हैं, और इंदौर के ऐसे नहीं, जो बाहर से भी लोग आते हैं इंदौर में स्पेशली, तो वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ लोग अलग अलग तरीके से आते हैं, दुख तकलीफ़ हर आदमी की मुरादें पूरी होती है यहाँ, जिसकी भी दुख तकलीफ़ है सारी दूर होती है नारशावली पे। और बहुत मतलब पॉजिटिव हस्ती है ये, मैं 20 साल से आ रहा हूँ यहाँ, नाइता मुंडा से, हीरो करामत पटेल नाम है मेरा, और हर लोगों की कामयाब पूरी होती है। सभी धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग आते हैं। नमन पे होता गिरते ऊंचा बाजार में कर। सदियों से हजरत निहार सैयद बाबा रहमतुल्ला अलैह जैसे सूफी संतों ने मुल्क हिंदुस्तान में रूहानियत और हम आहंगी के पैगाम को आम किया और उनकी तालीमात आज भी सेक्युलरिज्म के धागे को मजबूत बनाने में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। फ़िरका परस्त और कट्टर सूज वाले फ़िरके की मुसलसल मुखालफत के बावजूद सूफी नज़रिए का मुल्क के हर कोने में फ़रोग हो रहा है। आज ज़रूरत इस बात की है कि सियासी सोच भी सूफी नज़रिए के साथ आए, जिससे मुल्क में अमन चैन का माहौल बन सकें। वश्तव तमाश नारी जहनम जाल खुदा छवराय मोहम्मद, ताजुब छु ये के जन्नत बनाए खुदा बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाशा तो देखो कि दोजख की आतश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, ताज्जुब है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।